अक्षिता वो 400 भी चैनल लगाना, देखते हैं क्या आ रहा है उस पे। एक मिनट देने के लिए ज़ॉम्बीज़ को पकड़ा गया है, पर वैक्सीन का शोध अब तक नहीं लगाया। सब ओ भाई ये क्या है ये सब, भाई साहब ये तो मस्त बात है, इसका मतलब ज़ॉम्बी से छुटकारा मिल गया। रुक रुक इसका तो फोन आ, हेलो हेलो। अरे वो मुझे ऐसे पता चला है, कौन है आप? मैं समर्थ। अरे हाँ समर्थ का कॉल है समर्थ। अरे मुझे ऐसे पता चला है कि है ना नॉच म्यूजियम के पास, नॉच जो म्यूजियम है ना उसके अंदर ज़ॉम्बीज है। तो हम क्या करें? जिंदा तो वो तुम्हारे घर के पास है ना, तुम जाके देखो एक बार। ठीक है देखते हैं। रखा भी फोन। समर्थ का कॉल था, बोल रहा था कि वो नॉच म्यूजियम है ना उसके अंदर ज़ॉम्बीज है। अरे तेरी बाजू में है ना वो? अरे हमारे घर के इधर ही है। चलो रुक देखते हैं। तो फिर हम वहां पे जाते हैं। अभी कुछ डरने की बात तो नहीं है, अभी आराम से। समर्थ भी वहां पे ही है क्या? नहीं वो बाहर है कहां पे। तो सुबह भी हो गई। हाँ ठीक है देखते चल देखते यार, इधर ही है ना वो। हाँ वहां पे ही है वो, देख दिख गया। चल जल्दी यार, क्या हो रहा है मुझे भी। इस सावधान यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ होंगे सब। हाँ यार मुझे हाँ। भी ऐसे ही लग रहा है। सानू तू एक काम कर, तू अंदर जा। मैं बाजू में देखती हूँ या फिर मैं पीछे जाता हूँ। मैं पीछे जाता हूँ, तू बाजू में देख। ठीक है अंदर जाती हूँ। हाँ ऊपर जाके देखती हूँ यहाँ पे ज़ॉम्बीज़ लगते हैं। अरे बहुत अंधेरा है यहाँ पे, अभी जला। अरे यहाँ पे ये क्या हो रहा है? क्या? अरे ये कैसे फटा है? अरे मुझे कुछ भी नहीं मालूम। अरे क्या किया सानू तूने यार? तुम ठीक है ना? मैं ऊपर गई और वहाँ पे बहुत अंधेरा था, इसलिए मैंने माचिस जलाई और कुछ तो फट गया। क्या फटा होगा? मैंने सुना था कि वहाँ पे पुराने जमाने के डायनामाइट वो सब रखे थे, शायद से वही फटा होगा। वही फटा होगा क्योंकि मैंने माचिस जलाया था वहाँ पे। क्या हो रहा है तुझे यार? मुझे लग रहा है कि मेरे पैर की हड्डी टूट गई है, बहुत दर्द हो रहा है। चल डॉक्टर के पास जाते हैं। तो खुद ही डॉक्टर है, इसलिए उसको लग रहा रहेगा कि उस पैर की हड्डी टूटी है। तू एक काम कर, तू घर पे आराम कर। बाय बाय। चल अभी उधर किधर जा रही है, पागल हो गई लगता है उसकी हड्डी के धमाके से। उधर नहीं तेरे, उधर नहीं पकड़ के रखे हैं ज़ॉम्बी को। मेरे को अभी भी डर लग रहा है, भागो। अरे मेरे किस्मत, तू ध्यान से चल, चल जल्दी। अरे अक्षिता सानू को छोड़ दिया क्या घर पे? छोड़ दिया उसे। चल एक काम कर दो, ये सब मुझे कुछ ऐसा लग रहा है कि ये सब क्लाउन ने किया है। पर वो तो मर गया है ना यार। एक काम करते हैं, उस स्टेशनरी में जाके देखते हैं कि क्लाउन मरने के बाद जिंदा हो सकता है या नहीं। हाँ चल चल अक्षिता देख के आते ऊपर। चल 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 यार रुकना। चल यार ये क्लाउन की कहां से पीछे पड़ गया है, देख अक्षिता यार कुछ है क्या? क्लाउन रिस्पॉन्ड करके कुछ होगा ऐसा लग रहा है मुझे, है क्या कुछ? ये कुछ क्लाउन के बारे में दिख के देख देख बाहर बाहर। अब तो हाँ मैं इधर ढूंढता हूँ तब तक। अभी क्या ढूंढेगा, मेरे को तो मिल गया है कुछ। अरे हाँ ये देख क्या इसमें लिखा है। सॉरी बुक लिखी है। क्या लिखा है इसमें? लिखा क्या यार, इन लोगों की हैंडराइटिंग समझ ही नहीं आती। ये पेज निकला है कुछ अंदर से, देख उसमें क्या है। हाँ इसमें लिखा क्या लिखा है? अरे रुकना पढ़ने तो दे भाई।
अरे रात हो गई। अरे यार समझ नहीं आ रही, तू पढ़ फिर। नहीं तू पढ़। हाँ इसमें लिखा है कि उस वो क्लाउड कभी मर नहीं सकता, ऐसा कुछ लिखा है। क्यों नहीं मर सकता? पर वो तो मर गया ना, ये कुछ भी है यार मर तो रहा है। आगे पढ़। क्योंकि वो एक रोबोट है। रोबोट यानी क्लाउड रोबोट? ये ऐसे कैसे हो सकता है? आगे और भी कुछ लिखा है। देख देख इसमें लिखा है कि उस क्लाउन को मारने का एक ही रास्ता है। मतलब क्या है क्या है क्या है? देख 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 यहाँ पे लिखा है कि उसके हाथ तो वो चाबी नहीं लगनी चाहिए। कौन सी चाबी? आई थिंक उसकी चाबी, क्योंकि वो एक रोबोट है। उसको की देनी पड़ेगी। मतलब क्या लिखा है उस? मतलब वो उसको की देनी पड़ेगी वो की। हाँ मतलब एक एक्सटेंड के बाद। की कौन दे रहा है? पर शायद से कोई और जो हमसे बदला लेना चाहता है। ऐसा कौन हो सकता है हमसे बदला लेने वाला? मेरे को तो ऐसे बहुत जन पता भी नहीं है। मुझे तो कोई जन पता नहीं है।